ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये वीडियो उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट अजीब गरीब डिसीजन दे देता है, ठीक है। तो बात फैक्ट भी है कि हाँ यार वो दे देता है, ठीक है, मतलब वो अजीब गरीब डिसीजन दे देता है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि यार सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो यार मतलब गांजा वांजा फूक के बैठे हैं क्या, वहाँ भांग वांग पी के बैठते हैं, मतलब कुछ भी डिसीजन दे देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल एक पर्सन ने कहा था कि यार ये मैरिड जो अफेयर है मतलब अफेयर करना अलाउड कर दिया, तो यार मतलब ये भांग वांग पी के बैठे हैं क्या वहाँ पे, कि भाई मतलब अफेयर करना अलाउड कर दिया, ठीक है, उसकी खुद की बीवी पे बीतता तो कैसा लगता उसको। बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन देखो इसका ना एक रीज़न है, ठीक है, एक रीज़न है, वो रीज़न है आर्टिकल 142 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो वो जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है, वो जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, एक केस था, वैसे जनरली रूल क्या होता है कि जो वाइफ है मेंटेनेंस लेगी अपने हस्बैंड से, लेकिन एक केस था, उसके केस के फैक्ट ही कुछ ऐसे थे, बिजनेस था, तो दो भाई थे, उनका बिजनेस था, एक भाई की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है देवर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल रखा है कि भई अपने देवर से भी वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स में, ठीक है। तो देखो जस्टिस के लिए किसी हद तक भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब क्या था, ये था अफेयर वाला, जोसेफ सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। तो इसमें क्या था कि जो अफेयर करना वो अलाउड कर दिया, ठीक है, वाइफ की प्राइवेसी बताई कि भई जो वाइफ है उसकी मतलब उसको राइट है और वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है वगैरह 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 जो भी है, ठीक है, तो वो शादी क्यों करते हैं प्रॉपर्टी होते चलो, ठीक है। तो ठीक है, तो उसकी चॉइस है, उसको जो पसंद आएगा वो उसके साथ चिल करेगी, ठीक है, जो भी करेगी सब कुछ उसके साथ करेगी, ठीक है। तो ये भी एक अजीब ही गरीब है देखा जाए तो। अब मॉरल थोड़ी है यार, मतलब किसी की वाइफ किसी और के साथ अफेयर में और आप उसको अलाउड कर रहे हो, देखा जाए, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम तो मान लेंगे ना, बात माननी पड़ेगी, करो, ठीक है। तो ऐसी एक और था कि प्रोमिस टू मैरी, अगर आप प्रॉमिस करके किसी को मैरी के लिए प्रॉमिस करते हो और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो रेप के कंसीडर किया जाएगा, वो रेप कंसीडर किया जाएगा अगर आप उससे शादी नहीं करते, ठीक है। तो पहले नहीं था लेकिन अब हो गया, ठीक है, हालांकि वो बात अलग है, इंप्लीमेंट बहुत कम होता है, लेकिन हो गया ना, दे दिया ना डिसीजन तो, ठीक है। तो उसके पास पावर है 142 आर्टिकल, अगर आपको कोई पूछे तो उसका आंसर ये है कि 142 उसके पास पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो जस्टिस के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो जस्टिस अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट्स के डिसीजन चेंज कर देता है, और आपने एक चीज़ देखी, सुप्रीम कोर्ट मतलब लास्ट रिसोर्ट है, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, रिविजन डालोगे मतलब वो उसी में डालेगी, ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो है 142, ये लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत काम आएगा, आर्टिकल 142, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भांग वांग खा के नहीं बैठा भाई, वो 142 यूज़ करता है, ठीक है। अब तुम्हें क्रिटिसाइज करना है कर लो, ठीक है, अब कैमरे पे तो हम कर नहीं सकते ना, पीछे कूप करेंगे, चलो चिल।